चलिए देखिए, कक्षा 7 मैथ एक्सरसाइज जो है 8.3 है, ठीक है। उसमें मान निकालना है भाई अब, ठीक। पहला दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, हालांकि हैं सभी ऐसे, ठीक है। बस मैं बता दे रहा हूँ, देखिए क्या करना है भाई। दिया है यदि a बराबर 6 तो 2a² - 5a, इसका मान निकालना है भाई। क्वेश्चन पढ़ लेना अपना। दूसरे में भी क्या है, 5 - a², इसका मान निकालना है। तो a बराबर कितना दिया है भाई, a बराबर अगर 6 दिया है तो हमको पहले किसका मान निकालना है, 2a² - 5a। तो मतलब a की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a जो है 6 के बराबर है, यानी a का जो मान दिया है वो 6 दिया हुआ है। तो a की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, 6। तो जहाँ जहाँ भी a है वहाँ पर 6 रख दो। तो 2 इनके इनके बीच में काहे का चिन्ह, गुणा का। अब a का मान कितना है, 6 रखोगे और देखो a के ऊपर स्क्वायर चढ़ा है तो 6 के ऊपर भी स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है। -5 गुणा a का मान कितना है, 6। तो 2 गुणा 6 का वर्ग कितना गया, कितना हो गया, 36 हो जाएगा, 36। -6 × 5 = 30 हो गया। अब इनकी पहले गुणा कर लो कितना होगा, 72 हो जाएगा, 36 × 72 -30। अब क्या कर दोगे, घटा दो, 2 बचेगा और 7 से 3 = 4। यही हमारा आंसर आ गया। समझ आ रहा है? कुछ नहीं करना भाई, जो मान दिया हो बस वहाँ रख लो, बस गुणा भाग सही से करो। दूसरे में क्या है, तो 5 - a² है। अब a यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ है तो यहाँ रखो भाई, इसको ऐसे उतार लीजिए। माइनस a का मान है 6, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 - 6² = 36 हो जाएगा। अब इसको घटाना है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस के घटाए जाएंगे और किसकी संख्या दी गई, माइनस की, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब 36 से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 31 बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। समझ आ रहा है? कुछ नहीं करना है भाई इसमें। देखिए पहले जैसे दूसरे वाले में 2x - 3y का मान निकालना है जब x बराबर 2 हो और y बराबर 3 हो। अब इसमें भी भाई मान दिया हुआ है, देखिए x बराबर दिया हुआ है 2 और y बराबर कितना दिया है, 3। किसका मान पहले निकालना है भाई, 2x - 3y का। तो x की जगह पर कितना रखोगे, 2 रखोगे और y की जगह पर 3 रखोगे, ठीक है। क्योंकि x के बराबर 2 है, y के बराबर 3 है। तो 2 गुणा x की जगह पर कितना रखना है, 2 लिखना है। -3 * y की जगह पर कितना लिखना है, 3 लिखना है। बस इनकी इनकी गुणा करो, 4 - 9 घटाओगे कितना बचेगा, -5। घटाना तो आते हैं, बहुत बढ़िया सीखे हो। समझ आ रहा है कि नहीं? इसमें भी भाई 2x + 5y - 4z का मान निकालना है। x बराबर 2 दिया है, y बराबर 3 दिया है, z बराबर -1 है। बस मान रख दो, 2 गुणा x कितना दिया है, 2, तो 2 लिख दोगे। प्लस 5 गुणा y कितना दिया है, 3, तो 3 लिख दोगे। -4 * z का मान कितना है, -1, और माइनस की संख्या में सब ब्रैकेट में रखना, ठीक। 2 * 4 हो गया, 5 * 3 = 15 हो गया। ये माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगी, 4 * 1 = 4। सब प्लस में है, सब जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 * 4 = 19 = 23। यही हमारा आंसर हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई भी दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को बस समझिए और उसको लगाना है, ठीक। लगा लोगे ना भाई? जैसे तीसरा क्वेश्चन है कि a बराबर 3 है, b बराबर 5 है, तो ये सिद्ध करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, यानी दोनों जगह रखना है, दोनों बराबर मान आना चाहिए। तो a का मान, a और b का मान इस साइड भी रखना बराबर के, तो इसको हल करना, देखना क्या आ रहा है, और उस साइड भी रख के रखना, फिर देखना क्या आ रहा है, दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। लगा लोगे ना? चलो बता दे रहे हैं एक बार, देखिए क्या कह रहा है भाई, सत्यापित करना है। यानी a जो दिया है वो हमारा 3 दिया है और b जो दिया है हमारा 5 दिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो है ये तीसरा है हमारा। अब इसमें ये सत्यापित करना है, प्रमाणित करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है a² + b² + 2ab, यही तो फार्मूला होता है। अब ये दोनों बराबर है, यानी a का मान और b का मान इनमें रखेंगे, जब इनको हल करेंगे तो बराबर के दोनों तरफ मान जो होना चाहिए बराबर आना चाहिए। समझ आ गया?
तो ये एक पक्ष हो गया, ये एक पक्ष हो गया, तो इस वाले बराबर के इधर वाले पक्ष को हम LHS कहते हैं, यानी बायां हो गया दायां हो गया, ठीक। तो हम LHS पहले हल कर लेते हैं भाई, जो पक्ष LHS है उसको हम उतार लेंगे का होल स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे a कितना दिया है 3 प्लस b का मान है 5 का होल स्क्वायर, और इनको जोड़ लो 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 आ गया भाई, ठीक है। अब उधर भी अगर हम हल कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए, 64 ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लो कहीं पे गलत किए, क्योंकि ये आपस में क्या है बराबर है भाई, सिर्फ देख लो RHS भी हो गया, प्रमाणित करना है ना भाई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का मान कितना है भाई 3, 3 का स्क्वायर कर दो, b का है 5 स्क्वायर कर लो, पर 2 गुणा a गुणा b, यानी a का मान है 3 और b का मान 5, 3 का वर्ग जो होगा 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा 25, और ये इसको 6 पंचे 30 30 हो जाएगा, ठीक है। सब जोड़ लीजिए, 9 5 14 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6, देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, समझा गया, तो बस प्रमाणित हो गया, ठीक है। यानी LHS बराबर RHS, यानी दोनों तरफ क्या आ गया हमारा, बराबर आ गया, ठीक। ये LHS और RHS वाली जो बातें हैं वो आगे समझोगे, ठीक है, फिर भी क्वेश्चन लगा लीजिए, समझ लीजिए, ठीक, लगा लोगे। तो पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है, पहले के जो पार्ट हैं शेष बच्चे हैं, दूसरे के भी जो पार्ट हैं, ये 3 तक जो क्वेश्चन लगाओ और ग्रुप पर भेजिए, अगर कोई समस्या है बताओ, बता दिया जाएगा। थैंक यू।